हेलो हाय दोस्तों, मैं अपने किचन टिप्स में बहुत ही यूजफुल टॉप टिप्स बता रही हूँ। ये देखो दोस्तों, ये है पालक साग। जो वर्किंग लेडी हैं उन्हें साग बनाना बहुत ही मुश्किल का काम लगता है। मैं उस मुश्किल काम को इजी टिप्स में बता रही हूँ, आप फॉलो करेंगे दोस्तों। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग भी आगे अच्छी अच्छी कुकिंग की वीडियो डाल सकूं। मुझे सपोर्ट करें, उत्साहित करें, ताकि मैं भी अच्छी वर्क कर सकूं। देखो दोस्तों, ये है पालक साग। अब देखो, मैंने इसे सफाई करने से पहले मैं इसे इसी तरह से, जैसे गांठ लगी हुई रहती है रबड़ से या धागा से या किसी चीज़ से, बेचने वाले इस तरह से गांठ लगाकर बेचते हैं। मैं इस गांठ को खोलूंगी नहीं, ओके, और ना ही पहले जड़ निकालूंगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब मैं ऐसे बिना जड़ को अलग किए मैं इसे कट कर रही हूँ। आप बहुत ही इजी तरीके से साग बना सकते हो, कभी भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। या आपको सब्जी में डालनी हो, या साग बनानी हो, या आपको पालक दाल बनानी हो, पालक पनीर बनानी हो, आप इस तरह से कट कर लो। और ये देखो दोस्तों, मैंने इसके पीछे वाली जड़ को निकाल दिया है, ओके। और अब मैं इसे बकेट में रख लेती हूँ। उसके बाद मैं नमक और पानी में इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसकी अच्छे से सफाई हो सके। और ये है दोस्तों लाल साग, ठीक है। ये दोनों साग को मैं मिक्स करके दाल चावल के साथ साग बनाऊंगी। अब इसके भी जड़ को मैं नहीं निकालूंगी, ठीक है। और इसे मैं बंधा हुआ ही इसी तरह से मैं इसे देखकर सफाई कर लूंगी, और नमक पानी में इसको डालकर 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। फिर इसे निकालकर मैं साग बनाऊंगी। अब देखो दोस्तों, मैं इसे भी इसी तरह से कट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। देखो, मैंने करीब करीब इतने कम समय में साग को कट कर लिया। और अब मैं इसे इसके जड़ को अलग कर दूंगी। अब इसके सारे जड़ को मैंने कट कर लिया, कट करके अलग कर लिया है। और अब इसे नमक पानी में डाल दूंगी। इसे सारे बकेट में मैं निकाल लेती हूँ और दोनों को एक साथ नमक पानी में डुबो दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। और इसे दो तीन चार बार पानी चेंज करूँगी और इसकी सफाई अच्छे से कर लूँगी। और मैं लाल साग
पालक साग को कैसे बनाती हूँ उसकी भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगी आपको। देखो मैंने कितने आसानी से इस साग को कट कर लिया है और अब इसे मैं नमक पानी में डुबोने जा रही हूँ। ये टिप्स आपको कैसी लगी दोस्तों, एक कमेंट करके मुझे बताना। मेरे चैनल गुड आइडिया गुड वर्क सुनीता देवी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक करें दोस्तों। ओके बाय।